इस वक्त हम शाही खाना आबादी और अपने शाही महल में मौजूद हैं और अभी बस थोड़ी ही देर के बाद बादशाह सलामत की यहाँ आमद होने वाली है। हम जब तक आपको अपना ये हसीन महल दिखाते हैं, आप देखें, ये देखें, ये हमारा महल और ये हमारे महल के बड़े बड़े पंखे, ये देखिए, इससे हमें हवा आती है। हमें कोई फिक्र नहीं होती इन पंखों के होते हुए कि लोड शेडिंग होती है तो होती रहे, हमें इससे क्या। ये देखें ये हमारे जो ये नेजा, ये जब लेकर निकल, और तो और हम आपको अपने महल के बहुत अच्छे म्यूजिशियन से भी मिलवाएंगे। और ये देखें, ये हमारे सारे जरब बजाएं और बताएं कि हमारे महल में हमारी मौजूदगी है। हमारे महल के अंदर रौनकें हो जाएंगी, खूबसूरती छा जाएगी, हर तरफ बादशाह सलामत के आते ही एक हसीन मंजर पेश हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे बादशाह सलामत का इंतज़ार है हमें, और आप देखिएगा ज़रा। वहाँ खड़ी हो जाइए, पंखा पकड़ लूं, वहाँ खड़ी हो जाइए। आज हमारे महल में बड़ी उदासी का दिन है। बादशाह सलामत क्या हो गया? आप चुप होंगी। अच्छा। सबसे पहले तो आप हुई हैं, ये सबसे गलत है। हमारी मरहूमा बीवी, क्यों रो रही हैं आप? आपकी मरहूमा बीवी तो आपकी तो नहीं थी वो? ये अपनी कॉमेडी बात के लिए बचाइए। हमारी मरहूमा बीवी ने एक खत हमारे नाम छोड़ दिया। ऐ दीवार, बीवी ने हमारे नाम एक खत छोड़ा है जिसमें लिखा है, 20 साल हमारी शादी को हुए औलाद नहीं थी, लेकिन बीवी ने खत छोड़ा है जिसके बाद हमें पता चला है कि हमारे 3 बेटे हैं। तुम तो चाय वाले राजेश हो, तुम यहां क्या, और तुम तो शारका के बेटे हो। ये सब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी फौज का सिपाही, बस चुप हो जाइए। दरअसल चश्मा भी लगाया हुआ उसने, जाहिर है जब नजर नहीं आएगा तो चश्मा।
हमें हंसी क्यों आ रही है, हम खुद भी नहीं जानते। हमारी बेगम ने कहा वो बार बार गर्मियों के मौसम में चली जाया करती थी और खुतूत दिखा करती थी हमें। उन्हें डर था कि हमारे शहजादों को कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए वो शहजादों की पैदाइश के बाद उन्हें बाहर ले गई। आज 20 बरस के बाद हमारे शहजादे आने वाले हैं। आज हम मलिका को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। नहीं क्यों? हमें समझ नहीं आ रहा ये हमने ब्रेक ली है या हम ब्रेक पे से आए हैं। 2 मिनट बाद ही वापस जा रहे हैं। अल्लाह जानता है, खुदा करे कि हम ये मटेरियल ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं। जितनी तवील ब्रेक्स आ रही हैं हमें लगता है हमारे बच्चे मज़ीद बड़े हो जाएंगे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम अपने शहजादों से मुलाकात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है? इस पूरे शो के दौरान मैं आपको कुछ इशारे दूंगा, बात नहीं करनी है। आपने अपने इशारे सुनने हैं और इसके बाद अपने जवाब को हमें भेजना है। लड्डू पे इसका वर्क होता है। मेरा पहला इशारा। लड्डू पे इसका वर्क होता है। मेरा पहला इशारा। म्यूज़िक को बुलंद कर दिया जाए। हमारे साथ मुस्तकिल नाइंसाफी होती रही है दिलाराम। हम एक दफा दुश्मन मुल्क की फौज पे हमला करने गए। हमारी तलवार नहीं थी। दरोगा कहने लगा कि बादशाह सलामत, हमारी तलवार ले जाइए। हम तलवार ले गए। सामने से उनका एक सिपहसालार आ रहा था। हमने जैसे ही तलवार निकाली, उनका सिपहसालार हमें देख के हंसने लगा। कहने लगा, बादशाह तलवार तो मुकम्मल ले आते। दिलाराम, आज हमारी खुशी का दिन है। हमने अपने शहजादों को 20 साल से नहीं देखा है। मलिका की निशानी है शहजादे। हमें यकीन है वो हमारी तरह हसीन और जमील होंगे, हमारी मलिका की तरह खूबसूरत होंगे, खूबसीरत होंगे। जब वो आएंगे तो हम क्या करेंगे दिलाराम, क्या करेंगे? बस आप खुशी से पागल हो जाइएगा। मैं तो अब भी हो रहा हूँ। अच्छा। दिलाराम, आपके अंदर ऐसी कोई सलाहियत है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं अजीब। बुलाइए उमर दराज को, बुलाइए हमारे पहले शहजादे को, बुलाओ। जाओ, खड़े रहो यहीं। आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, उमर दराज को बुलाएं। हम बुला खिलाते हैं। आप यहाँ बैठे जी। हम बादशाह हैं जी। बादशाह सलाम। हम बुलाएंगे उमर दराज को जी। ठीक है, वो तलवार ने बच्चा भी दिया है। वो हमारे सिपहसालार को देखिए, ऐसा लगता है दुश्मन से दोस्ती करने जा रहा है। हम अपनी आंखें बंद किए लेते हैं। उमर दराज को बुलाइए। अब महल में हाजिर होते हैं बादशाह सलामत के खूबसूरत हसीन तरीन साहबजादे, शहजादा
उम्र दराज तशरीफ लाते हैं। ए मेरे शहजादे, कहाँ हो तुम? हम अपनी आंखें नहीं, बादशाह सलामत खोल लीजिए आंखें। नहीं, हम नहीं खोलेंगे अब्बा हुजूर। खुदा का वास्ता, बादशाह सलामत, अब्बा हुजूर, खुदा का वास्ता, ठहर जाइए। अब्बा हुजूर, सरे तस्लीम खम है बादशाह सलामत। हम तो, अरे मलिका, हम तो, ये क्या करके चली गई आप? आपको कुछ समझ में आ रहा है? बादशाह सलामत, अब्बा हुजूर, बादशाह सलामत, वापस हट जाइए, चुप हो जाइए आप। हर जुमला आपका नहीं है। बादशाह सलामत जी, ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, हमें यकीन है जब हम खोलें। अब्बा हुजूर, आपका एक बात बताइए, सरे ए शहजादे, तुम्हारा चेहरा पुराना क्यों लगा? अब्बा हुजूर, सुर्खी पाउडर नहीं लगा सका मैं, इसलिए पुराना लग रहा हूं। चाह रहा है कि जब तुम हमें अब्बा कहो तो हम तुम्हें मारना शुरू कर। बादशाह सलामत, सरे तस्लीम खम है आपके लिए। ये भी चश्मा लगा के आए हैं हमारे शहजा। अब्बा हुजूर, खुदा का वास्ता, मैं खुदा का वास्ता आपको, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे अब्बा हुजूर, बाबा जान, आप सच में हमारे शहजादे हैं? अम्मी हुजूर से पूछ लें। अम्मी, अरे ये अम्मी, बादशाह सलामत, ये गुस्ताखी कर गए। जाइए, इनको स्क्रिप्ट नहीं समझाया था क्या? ये दिलाराम है, मौत में खास थी आपकी अम्मी हुजूर की, आपकी आ जहानी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं है। अब्बा हुजूर, खुदा का वास्ता, अगर अब्बा कहा तो अब गर्दन। बादशाह सलामत, सरे तस्लीम खम है आपके। एक बात बताइए, ये आप अंग्रेजों की पतलून क्यों पहन के आ गए? अब्बा हुजूर, मैं बादशाह शाही खानदान को आगे ले जाना चाह रहा हूँ, सरे तस्लीम खम है। उतार दीजिए गर्दन पे अब्बा हुजूर। आपकी गर्दन को क्या उतारेंगे हम, छोटा सा वक्फा है, मलका ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें एक ऐसा फर्जंद दिया है जिसकी उम्र हमसे ज्यादा है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको दूसरा इशारा दे रहा हूं। पहला इशारा था कि लड्डू पर इसका वर्क होता है, और दूसरा इशारा यह है कि बच्चों को इसके चम्मच से खिलाते हैं। मौसीकी को बुलंद कर दिया जाए। दरोगा, तुम्हारी वजह से हम अक्सर मुश्किलात में आए हैं, ऐसे मत करो,
दुश्मन मुल्क की फौजें एक बार इसे उठा के ले गई थी। हमने बड़ी बड़ी बातें की दिलाराम, हमने ये कहा कि हमारा दरोगा इतना कद्दावर है। जब ये उनके सामने आया तो पूरी फौज हंसने लगी थी। हमारे शहजादे को पेश किया जाए। एक दफा आप ढूंढ भी तो रहते हैं, इनको चीन उठा के ले गई थी। आपकी कॉमेडी हो गई। हम अपनी आंखें बंद करें या खुली रहे? बादशाह सलामत, अब मैं जिसको बुला रही हूँ आप उसके लिए अपनी आंखें बंद रखें। शहजादा दुश्मन, नहीं नहीं, आप अपनी आंखें नहीं खोलिए। ए बुजुर्ग शहजादे। जी अब्बा हुजूर। बस हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। दिलाराम हमसे इंतजार नहीं होता, जल्दी बुलाइए। शहजादे को हम बुला रहे हैं, पूरी दुनिया में जगह जगह मशहूर हैं। बादशाह सलामत, आप नहीं जानते, वो जब आएंगे तो लगेगा रौनकें बिखर गई हैं। वाह वाह वाह, शुक्रिया मलिका, शुक्रिया। और बल्कि हम तो अपने सिलसिले में आपसे बात भी करना चाह रहे थे बादशाह सलामत, उन शहजादे के लिए। अगर आप दिलाराम, अगर वो इतना हसीन है तो आज से हम ये ऐलान करते हैं कि वो जरूर तुम्हारा ही शोहर बनेगा। बस दिलाराम, बस हमसे इंतजार नहीं होता, हमारे शहजादे को बुला दिया जाए। जिनको बुला रही हूँ उन शहजादे के चर्चे आप देखेंगे तो आप उनके आते ही आप बस मैं बता नहीं सकती बादशाह सलामत क्या होगा। और तशरीफ लाते हैं हमारे प्यारे खूबसूरत हसीन शहजादे गुलफाम। ए, हमसे बड़ी उम्र के शहजादे। जी बादशाह सलामत, हमें तुम अपने भाई के पास ले चलो। अब्बा हुजूर, उनको ना देखे तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आप देखेंगे आंखें बंद रह जाएंगी, इससे पहले सांसें बंद हो जाए। मैं अच्छा नहीं चाहता अब्बा हुजूर, मैं नहीं चाहता कि आप उसे देखें, लेकिन खुदा की कसम अगर आप कहेंगे इशारा हो तो उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं मैं। नहीं नहीं बुजुर्ग शहजादे, नहीं नहीं मेरे बुजुर्ग शहजादे, आपने सुबह की दवा ली थी? नहीं अब्बा हुजूर, इनकी वजह से जिंदगी दो बार हो गई है। बस, आप कहे तो मैं इनके गर्दन तन से जुदा कर दूं। बस 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 अब्बा हुजूर। हाय हाय, एक मिनट, ये आवाज कहां से आई है? हमारे कान, मिल गया हमें हमारा हुस्न का पैकर, मिल गया। आपने देखा? एक मिनट, क्या हो गया अब्बा? यार अब्बा ऐसी हरकत नहीं कर यार अब्बा, यार देख यार अब्बा, ये नहीं करियो यार अब्बा, यार अब्बा बात से क्या हो गया अब्बा, बात से यार पहचान यार, मैं तेरा बेटा यार, थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत हो तुमसे और क्या। दिलाराम अब्बा बात से, मुझे उससे शादी करनी है, शादी करा दो अब्बा। बादशाह सलामत, हमने आपसे गलत तो नहीं कहा था। दिलाराम ये तो पागल भी है, ये पागल। बादशाह सलामत, फूल लाया आपके लिए। हमारे साथ क्या मजा? एक मिनट दिला, हम उससे बाहर तो निकल आए। कितनी खुशी हो रही है मेरे अब्बा को मेरी, यार खुशी नहीं है, हम हैरान हैं। तुम्हारी उम्र हमारे वालिद की उम्र के बराबर क्यों है? इसका पैदाइशी जायचा क्या पत्थरों पे लिखा गया है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट वाले उस वक्त मौजूद नहीं होते थे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह,
हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। जी जी अब्बा बात से। देखिए जी भाई मियाँ बोले भाई मियाँ। ब्रेक भाई मियाँ भाई मियाँ हो गए। एक बात याद रखिएगा, ब्रेक तो आएगी और ब्रेक में हम तुम्हें इतना मारेंगे इतना मारेंगे। अब्बा को फीटर लाके दो। हुजूर इसका जहरी तवाज़ुन बचपन से ही खराब है। और तू तो बहुत अकलमंद है। मैं गर्दन निकाल दूंगा अब्बा। बादशाह सलामत हुक्म की जाए बस मैं इसकी सच से जुदा कर दूं अगर इसने गुस्ताखी की मेरे। अरे गुस्ताखी तो अब्बा हुजूर तुमने की है इस दुनिया में। अब्बा हुजूर आप भी तो दवाइयां खाते थे अफ्यूम माजूर, इसकी वजह से ये नबियत आ गई। यार किसकी सुन। अब्बा ये मेरे साथ क्या किया आप लोग? माफ कर दो। क्या किया आप? मसाला इतने खूबसूरत। आप एक मिनट चुप हो जाइए, ब्रेक पे जाना। अच्छा ये बड़ा 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 सा डंडा लेके आओ। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं अब्बा। छोटा सा कहा लू मैं, पागल हो चुका हूँ। साइंस भी हैरान है कि क्या हुआ। छोटा सा एक वक्फा आपसे मिलते वक्फे के बाद। आपको एक और इशारा देना है। पुराने जमाने में इनसे बने बर्तनों में पानी पिया करते थे। इशारे में आपको तीन दे चुका हूँ। लड्डू पे इसका वर्क होता है, बच्चों को इसके चमचे से खिलाते हैं और पुराने जमाने में इनसे इनके बर्तनों में पानी पिया जाता था। दिलाराम जी बादशाह सलामत, हमें बताया जाए कि हमारे मेहमान में थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग और कैमरे का ख्याल किया करें। हमें बताया जाए कि हमारे इस महल में अब किसकी आमद है, हमारा तीसरा बेटा कब आएगा। जी बादशाह सलामत, हम आपके तीसरे साहबजादे को बुलाने से पहले आपकी एक कनीज़े ख़ास को बुलाना चाहेंगे। साहबजादे के लिए हम अभी आपको इंतज़ार करवाएंगे बादशाह सलामत, क्योंकि उनके हुस्न के तो हम खुद भी ताब नहीं ला सकते, बल्कि कोई भी ताब नहीं ला सकता। जब आएंगे तो आप खुद देखिएगा। इससे पहले तशरीफ़ लाती हैं आपकी कनीज़े ख़ास। जाओ, उसे कुछ हो रहा है। हमें ये मौसीकी की आवाज कहां से आ रही है? आ रही है दरो दीवार से। आएंगे ये रात हम देखेंगे, हाय कहीं के आएंगे।
अरे शहंशाह जादूगर भी है। ये शहंशाह की ताकत है, जादू नहीं है। अब्बा हुजूर ये फैसिलिटीज हमें क्यों नहीं दी गई? जहनी बीमार है अब्बा हुजूर, बुरा ना मानिएगा इसकी। तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? अगर आप कहें मैं इसका सरपंच जुदा कर दूं अब्बा हुजूर। नहीं बेटे, अरे आप चुप तो रहिए, आपकी वजह से हमारे महल का माहौल खराब हो गया है। नहीं 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 नहीं, एक खातून के गाने पे हमारा शहजादा रक्स कर रहा है। आप वहां दिलाराम के पास जाके खड़ी हो जाइए, दिलाराम हमसे और जब्त नहीं होता। जी बादशाह सलामत। दरोगा हमारे शहजादे को बुला दो। बादशाह सलामत, आपके शहजादे खुद आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और हमें आपकी बेचैनी का इंतजार है। देखो दिलाराम, एक बात याद रखना। जी बादशाह सलामत। अगर अब की बार हमारे साथ इन दोनों जैसा मजाक हुआ नहीं तो याद रखना दिलाराम, हम तुम्हारी गर्दन कलम कर देंगे। नहीं, ये मेरी वाली अब्बा, और मैं इनकी मैं इससे प्यार करता हूँ अब्बा, और मैं इनकी वाली हूँ। हाँ 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 अब्बा हुजूर आपने सुन लिया। बादशाह सलामत, आपके वाले भी आने वाले हैं, अगर आप कहें तो हम उनको बुला दें। बस बामुनायदा, जेब कतरों से होशियार। अब्बा मैं गलत नहीं करा अब्बा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ वो करूं जो मैं कर सकता हूं। अब आप सब कर सकते हैं, कल तो मेरी जेब काट ली। हो जाओ बस बेटा, क्यों बार बार ये निकाल लेता है? अब्बा हुजूर अब्बा देखो इसको सही किया जाए तलवार को। बादशाह सलामत जिंदाबाद। अब जिस शाहकार का इंतजार है बादशाह सलामत, ऐसा लग रहा है जैसे कुजड़ा हुआ आदमी खड़ा होता है। अब्बा हुजूर अब जो बस शहजादी को बुलाया जाए। बादशाह सलामत आप अपना मुंह रखें। क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? आंखें बंद करें और उसी तरफ अपना मुंह रखें जब तक के हम आपसे कहें नहीं, आप अपना चेहरा मुबारक इधर मत दिखाइएगा। बादशाह सलामत, हम आपके तीसरे और हसीन खूबसूरत शहजादे को बुलाते हैं, शहजादा पा तशरीफ लाते हैं। अब्बा हुजूर, इन्होंने बचपन में बम हमारा शहजादा हसीन होगा। मलिका ने हमसे पा की बहुत तारीफ की थी। मलिका ने अपने खत में लिखा है कि शहजादा पा हुसन का शाहकार है। हिंदुस्तान में अमिताभ बच्चन गुजरे हैं और आज भी हैं और हमेशा रहे। शहजादा पा हू बहू वो लगता है, हमने कभी श्रीमान अमिताभ को नहीं देखा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पा को देखें। हम अपनी आंखें नहीं खोल रहे, हम अपने फर्जंद को देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है वो हुस्न का शाहकार हो। बादशाह सलामत आपके ना खोलिएगा। हम अपने बेटे के बाल ए मेरे फर्जंद, तुम्हारे सर से शुआएं क्यों निकल? हमें क्यों लग इतने तुम्हारे कानों पे बाल? वो बहुत दादा जान लग रहे हैं। ए तौफीक भाई, क्या हुआ ये? हमारे शहजादे के कानों पे हमें बाल महसूस हुए। हुजूर ये हूबहू दादा जान लग रहे हैं। हम तुम्हारी
हमारे दिल में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, हम अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते क्योंकि हमें यकीन नहीं। नहीं अब्बा देखिए, ये हमारा शहजादा नहीं है, ये पागल है। ये पागल है, बादशाह सलामत, ये हसीन है, बहुत मसीन। उस शहजादे के हुस्न का क्या कहना जिसके कानों पे बाल हों। ए मलिका, ए मलिका, आप तो चली गई, हमें ये क्या निशानियां दे गई आप। खैर, नाक में भी बाल है, नाक में भी बाल है, देखिए गौर से। क्या वो अब्बा के सत्ते में आ गए क्या? मैंने आपसे कहा था आंखें ना खोलिएगा बादशाह सलामत, पेरी और नीम के पत्तों का इंतजाम किया जाए। क्यों अब्बा? एक चटाई एक गहवारे की जरूरत है क्योंकि बुजुर्ग का कुछ आखिरी वक्त आ गया है। छोटा सा अगर ये टीवी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये आपकी सोच है। छोटा सा एक वक्फा आपसे मिलते हैं इस वक्फे के बाद। हैरत अंगेज बात, शहजादे तुम कुछ कहना चाहते हो हमसे? जी अब्बा हुजूर, जाएंगे। खुदा का वास्ता, तुम हमें किस बुनियाद पे वालिद कहते हो? बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अर्ज कीजिए। मुझे आपकी अनारकली जो शहजादी है उसे शादी करनी है। 10 मरतबा इस आदमी को स्क्रिप्ट समझाया है फिर भी ये गलत बोलता है। ए मेरे शहजादे, तुम जंगलों में परवरिश पा रहे थे, तुम्हारी दोस्ती हुई थी शहजादी से और वो शहजादी तुम जंगल से यहाँ ले आए हो। असल में अब्बा हजूर वजन ज्यादा पड़ गया सर पे, भूल गया जी। मैं जंगल में उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, मैं उनसे यहाँ पहुँच के आपकी इजाज़त से शादी करना चाहता हूँ अब्बा हजूर। जंगल में आपको किसी शेर ने नहीं खाया? वो मेरे दोस्त बन गए थे अब्बा हजूर। शेर तुम्हारे दोस्त थे? जी अब्बा हजूर। अब्बा हजूर ये झूठ बोल रहा है, एक शेर ने इन पे मुंह मारा, थूकता फिर रहा था। सद अफसोस मलिका, सद अफसोस, तीन तीन फर्जंद, हर एक फर्जंद उम्र में मुझसे बड़ा है। बुलाइए, एक बात बताइए जी अब्बा, उन्होंने आपसे शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है? मुझे लग रहा था कि आदि रजामंद है आदि नहीं। मतलब इनकी तरफ से रजामंद है, उसकी तरफ से ना है, ना पसंद है। अनारकली, अनारकली नाम है जी अब्बा हुजूर। ये आपने खुस्सों पे मोजे क्यों पहने हैं? खुस्से जंगल में कांटे चुभ जाते थे ना अब्बा हुजूर। बुलाया जाए अनारकली को। अनार बाजी हाजिर हो। क्या हो गया उस्ताद, क्या हो गया उस्ताद? ये किसी मैकेनिक की दुकान नहीं है, हमारा महल है, इस महल के आदाब होते हैं काले आदमी। ऐसे अफहम इंसान, श्रीलंका के बॉलर,
हमारे महल के आदाब है। अब्बा हुजूर, इसकी गर्दन कलम कर दूं? नहीं बेटा नहीं, मैं दोबारा मोड़ दूंगा, ये उन लोगों पे बिल आ जाएगा। तुम मेरी गर्दन कलम कर ही नहीं सकते, मेरी गर्दन ही नहीं है। हमारे अनारकली को बुलाया जाए। जी जी जी। और अब इस हसीन महल में, हाय हाय हाय, कितनी प्यारी लग रही हो बोलती हुई। नहीं अब्बा, गलती हो गई। बादशाह सलामत आपके शहजादे। एक मिनट दिलारा जी। मलिका, ये क्या प्लानिंग की आपने? हमें भी ले जाती इन ती, तू कौन है, कौन मुझे ये बता दे। यतीम है अब्बा। अबे यतीम है। मेरा अब्बा जिंदा है। अब्बा हुजूर बोल है? नहीं तो गर्दन निकाल दूंगा तेरी। अरे पागल आदमी, हम जिंदा है। अच्छा, अच्छा, ये यतीम कैसे हो सकता है? ये अकेला बेटा कर लग रहा था ना। है जाओ, तुम वाकई पागल हो। नहीं अब्बा, जंगल में बस बस बोला मत करो। अब्बू जिंदा है हमारे, या अब्बू है हमारे, कोई मामू है क्या? गलती हो गया। अब्बा भाई, अब्बा भाई, अब्बा भाई माफी कर दो, अब्बा भाई माफी कर दो। मैं मजबूर हूँ उसके हाथों, नहीं तो आपके साथ में वो करता के घर जाके भी याद रखते। बादशाह सलामत, बार बार तलवार क्यों निकालते हो? इसको डराता हूँ। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है हमारे साथ, यही तो खराबी है। हम अपने ही भाई पर तलवार निकाल लेते हैं। ठीक है अब्बा, रख लेते हैं। अब्बा, आप बड़ी गहरी गहरी बात कर जाते हो। इतना अब्बा हुजूर बोल, हमें चल पे, मेरा दोस्त है ये। माफी चाहिए अब्बा। अब्बा बादशाह सलामत, अगर शहजादों के झगड़ों से फुर्सत मिल गई हो तो हम कुछ, हमारी सल्तनत का हाल इसी वजह से हुआ है। इसे पानी का महकमा दिया था, 3 बरसों से खुद भी नहीं नहाया। इसे बिजली का महकमा दिया था, 4 साल से हम खुद जनरेटर पे चल रहे हैं। इसको सेहत का महकमा दिया था, जितनी दवाएं हैं खुद खा जाता है। बुलाइए जी। आप और अब हमारे इस हसीन महल के अंदर शहजादी बल्कि अनारकली तशरीफ लेकर आते हैं। आइए अनारकली। दोशीजा, तुम अंधी हो या तुम्हें नजर नहीं आता? नहीं बादशाह, कौन सी शह है ये? अरे ये आपसे शादी करना चाहता। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अनारकली, जंगल में ये वादा हुआ था। अच्छा किया आपने। एक मिनट, मेरे स्क्रिप्ट राइटर कहाँ है? यहाँ आओ तुम, इधर आओ। जुनेद को भेजो इधर, इसको भेजो, तुम यहां आओ, इधर आओ। समझा के मैंने कहा था इन्हें ये बताना है कि ये क्या इम्प्रोवाइजेशन क्यों है? जाओ। आप चुप रहिए, एक मिनट। आपका जुमला था कि बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, मैं इनकी मोहब्बत में फना हूं। ये जुमला तो मुझे नहीं बताया था। मैंने बता दिया। अब बोले दोबारा। वक्फे से जब वापस आएंगे तो समझ लो यही तुम्हारा मालिक है आज से। मौसीकी को बुलंद किया जाए और आप भी देखिए कि इसके गुण क्या हैं। मौसीकी बुलंद कर, ये वाली मौसीकी नहीं, दूसरी मौसीकी बुलंद कीजिए। हाय
हमारे तीनों फर्जंद पागल हैं। बस बस बस, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे ताकतवर तहफ्फुज़ देती है। इशारे दिए थे मैंने आपको, एक बार फिर ये इशारे बता रहा हूँ। लड्डू पे इसका वर्क होता है, बच्चों को इस चम्मच से खिलाते हैं और पुराने जमाने में इनसे बने बर्तनों में पानी पिया करते थे। जानना चाहते हैं कि क्या है? सिल्वर। आइए आपको दिखाते हैं। लाइफ बॉय गया, अब हमें जरासीम से कौन बचाएगा? अब हमारा क्या होगा? इतना ड्रामा, पुराना गया पर नया सिल्वर लाइफ बॉय भी तो आया। विद एक्टिव सिल्वर दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। लाइफ बॉय बन गया सिल्वर लाइफ बॉय। हमारे तीन शहजादे, रियाया को खामोश होना चाहिए। मैं जानता हूं कि पानी नहीं है, मैं जानता हूं कि बिजली नहीं है, एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको इसकी आदत होनी चाहिए। हमारा महल तो ठीक है ना? सुना है एक फरियादी आया है दिलाराम जी। बादशाह सलामत। फरियादी को पेश किया जाए। वो फरियादी जो नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गया था, वो आखिरकार बादशाह सलामत के महल में तशरीफ लेकर आया है। फरियादी हाजिर हो। गवाही है, गवाही है। बिजली की बिलों ने कयामत मचाई है, ना नौकरी है ना कुछ है, और इन बिलों ने मुझे परेशान किया है आलम पना। मुझे अपनी पना में जगह दे दीजिए आलम पना, मैं परेशान हो गया इससे। ऐ फरियादी, तुम्हारे घर में बिजली नहीं है? नहीं है। हमारे तो अपने घर में बिजली नहीं है, है? फिक्र मत करो और किसी से जिक्र मत करो। हमने बहुत कोशिश की कि हमारे यहाँ बिजली आ सके, लेकिन यकीन जानो इसने हमें भी बिल भेज दिया। इसकी फरियाद पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। जी अब्बा हुजूर, आपका हुक्म। जाओ, इसकी गर्दन कलम कर दूं। अब किससे करोगे? कर, अब बोला दादा क्या? इधर आ। ये हमारे महल में इतना हुस्न क्यों है? ये हमारी रियाया है, हमारी रियाया है ये। इससे हुस्न सुलूक करो, इनसे प्यार से बात करो, इनसे दुलार से बात करो, और अगर वक्त मिले तो इन्हें पानी का एक टैंकर दे दो ताकि ये ना हो सके। मैं इनके करीब नहीं खड़ा हो रहा, यकीन जानो ऐसा तफ्फुन है। अलमा अलमा आलम पना, आपकी इजाजत हो तो लियाओ दो रोटी एक भुना। तुमने ये जबान कहां से सीखी है? कौन है जो तुम्हें ये बातें आके सिखाता? आलम बन लिया हूं एक बुना। क्या तुम जामा क्लाथ में काम करते हो? पीछे से किस किस्म के लोगों को हमने देखा है, आपके पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं आप बूंदे भी हैं, बालियां भी हैं।
हमें मजबूर मत करो, हम इस लिबास पुष्पा पोष की वजह से मजबूर हैं। अब्बा हुजूर, ये हमारी अशरफियां क्यों नहीं चलती इधर? एक बंदे को मैंने कल दिया अशरफियां, उसने जर्दे में डाल के खा ली। कोई 7 साल पुराना लतीफा सुनाया है तूने? अब्बा हुजूर, ये गुलाब हमें याद है, हम अपने नानी के घर जाते थे तो हमें हमारी दिलचस्पी के लिए, दिलबस्तगी के लिए हमारे मामू हमें इस किस्म के मजाहिया लतीफे सुनाते थे। ऐ फरियादी, तुम घर जाओ, हम पीछे से बुलडोजर भेजते हैं। हमने इसका फैसला कर लिया है, ना तुम्हारा घर होगा और ना तुम बिजली का तकाजा करोगे। इंसाफ, 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 बादशाह का इंसाफ, इंसाफ। अरे वाह बादशाह यार, बड़ा आ गया यार तेरा इंसाफ पे। क्या हो गया? छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इनका फैसला करेंगे कि इनको रखा जाए या इनका सर कलम कर दिया जाए। नहीं अब हुजूर, ब्रेक है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक हमारी तरह और एक तुम लोगों की तरह, और हमें लिल्लाह तुम हमारी औलाद हो। अबे तुमसे उल्फत है, मोहब्बत है, क्योंकि औलाद हो तुम। पिताजी आप हम पे ऐसी बातें ना करें, आपको शायद पता नहीं है हम में कितना टैलेंट भरा पड़ा है, हमारे में क्या क्या खसूसियात है आपको इल्म लेंगे। अब सबसे पहली खसूसियत तेरी ये है कि तू अंधेरे में नजर नहीं आता। तेरी दूसरी खसूसियत ये है कि लोगों की उम्र कहीं ना कहीं जाके नजर आती है, तेरी पिछले 20 साल से नजर नहीं आई, और तुम तो पागल हो। हुजूर ये मुंह से आग भी निकालता है, शोले भी निकालता है, ये अजीब अजीब तरह की हरकत, अंडे भी निकालता है मुंह से। ये मेरे बच्चे हैं देखो। कोई आग निकाल रहा है, कोई शोले निकाल रहा है। ये पत्ते खाता है हुजूर, पत्ते, दरख्त के पत्ते, पत्ते खा खा के जवान हुआ है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। और कोई सलाहियत है तुम में? आप एक बार मौका तो दें अब्बा, फिर आप देखेंगे। हम तीनों फनकार हैं, बता दो अब्बा को। दिया मौका, आज हम दिखा देंगे अब्बा हुजूर कितना टैलेंट हम लोग में। बता, पत्ते खाका के नाचता रहा है, बता आज। म्यूजिक लग जाए।
हमारी औलाद है ये। नहीं, मुझे इनाम में तलवार नहीं चाहिए अब्बा। घूसा दे दे इसको अब्बा, घूसा दे दे। क्या हो गया अब्बा? तुम्हें मैंने महकमा दिया था सेहत का। जी जी बहुत देख ले अब्बा। कहाँ गया ये? अब्बा मोजे लाइए। जूते उतार के रक्स कर रहा था ये पहले। ये कौन है जो हमारे महल में भागी चली आ रही है? जिल्ले इलाही। कौन? जिल्ले इलाही में ये है जिल्ले इलाही तीनों। ये तीनों अजाब इलाही। ये तीनों मेरे दरोगा के आगे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ दरोगा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ जिल्ले इलाही। ये काम ही सही नहीं है। जो गलत लोग हैं सबके पास कोई ना कोई है और हम अकेले हैं महल में। आपने दरोगा से प्यार करने की हिम्मत कैसी? दरोगा ये काला चश्मा क्यों लगाया है? और एक बात और, इसके चेहरे पर गौर कीजिएगा, ये जख्म नहीं है दरोगा के चेहरे। टिशू कहाँ है? टिशू। हम आपको दिखाते हैं कि महल में हमारे साथ क्या क्या मजाक होता है। आपको लगता है ये जंगों से आया है? दरोगा तुमने मुझे धोखा दिया। ये मुझे फोटो भेजी, कहा तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जख्म खाली और मैं मोहब्बत में दौड़ी चली आई इसलिए लाई। क्या कहना चाहते हो दरोगा? और ये जख्म भी। माइक लगा है जी। सीने में दर्द है इसके बाबा जान। अरे बादशाह उस्ताद नहीं तंग करो यार बच्चे को, यार रंग उतर जाएगा। दरोगा महाबली, क्या तुम्हें इससे प्यार है? दरोगा मेरा दिल ना तोड़ना। रो रहा है। क्या तुम्हें इससे प्यार है दरोगा? हाँ कर दो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। प्यार है दरोगा? क्या तुम इससे शादी भी करना चाहते हो? नहीं। यहाँ दरोगा की दो बीवियां पहले ही हैं। दरोगा की तीसरी शादी तुमसे तय कर रहे हैं हम। नहीं दरोगा, अभी नहीं है। खुदकशी? सबको खत्म करने के बाद मैं दरोगा को। तुम दरोगा को मारोगी? लेकिन क्यों? उसकी बची कुची जायदाद मेरी हो जाएगी। दरोगा के पास एक चप्पल एक पजामा है। दरोगा तो खुद बचा कुचा है। जिले इलाही और दरोगा चीलों से बहुत मुश्किल से बचा है। एक रोज हमने से बाजार में गोश्त लेने भेजा, तीन दिन बाद आया, उकाब उठा के ले गए थे इसको। मैं तभी इन्हें बाहर नहीं भेजती। भेजना भी मत। अब के उकाब छोड़ेंगे नहीं। मुझे नफरत ले जाएंगे तुम्हारे सर का ताज। दरोगा महाबली ताज, छोटी सी कोई बाल्टी मिले तो नहा जरूर लेना। ए वजीर आब, ए वजीर पानी, हमारी रियाया के टैंकरों का मसला कब हल होगा? अब्बा हजूर, जब टैंकर का ऑर्डर दिया टैंकर बन के आ जाएंगे, फिर उसमें पानी डाल के घरों घर पहुंचा देंगे। आपकी तरह आपके दांत भी टेढ़े हैं। जी वो आपके दूसरे साहबजादे में से पानी निकल रहा है, वो देखें ऊपर गले पानी आ रहा है। इनके बारे में कुछ ना कहिएगा प्लीज। वो नहा ले जरा, मैं इसलिए कह रही हूँ। वो पसीने में नहा रहे हैं। अच्छा वो कोई बात नहीं जुबैदा, कोई बात नहीं। यही हमारी रियाया है। आज
तुम्हें पसीना आया तो तुम्हें एहसास हुआ कि जब बिजली नहीं होती तो इनको कैसे पसीना आता है। आज जब तुम्हें पसीना आया तो तुम्हारी होने वाली बीवी ने किस दुख से कहा है कि तुम्हें पसीना आ रहा है, तो क्या इनकी बेग बात नहीं होती है, इनकी माँ नहीं है, इनकी बहन नहीं है? अगर अगर बिजली तुम्हें मिल सकती है तो याद रखो, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी ये रियाया है, सबसे पहले बिजली इन्हें दो जो हुक्म मेरे आका, और उसके बाद अगर बचती है तो खुद लो जो हुक्म मेरे आका। वाह, इंसाफ, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं भी तो दूंगा, अकल कर, निकाल के गर्दन फेंक दूंगा तेरी। आशा सलामत, इसको कहें कि सबसे पहले खाना भी मुझे दे, क्योंकि मुझे खाना भी नहीं मिलता एक हफ्ते से। आप भी इन्हें पसंद करती हैं? भी नहीं, यही यही पसंद करती हैं। अल्लाह, उनकी शर्माना तो देखें आप अब्बा हुजूर। तो दरोगा, तुम भी यहाँ आ जाओ, आप लोग लाइन बना लीजिए, लाइन बना लो, अभी शहजादा बांटेंगे। ये जो कुछ है बांट दूंगा मैं। अगर आप समझती हैं कि ये शहजादा है तो इसे घर ले जाके पूजिएगा। आप इनकी होने वाली बेगम हैं। थैंक यू अब्बा हुजूर। पेयर्स में आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आइए, आप कहाँ जा रही हैं? अब्बा, इसमें कशिश ही बहुत है। बहुत पता है मुझे कशिश है। आपकी होने वाली बेगम ये है, यहाँ हो जाइए, आप यहाँ आ जाइए जी अब्बा हुजूर। क्या बीवी का गुलाब? अरे मेरे साथ नहीं, उधर इधर आइए, इधर आइए जी। क्या तुम्हें यही मिला था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत, इनके तो बाल भी खड़े हैं सर के। आज से हम तुम्हें अपनी फौज का सिपा सालार मुकर्रर करते हैं। सुभान अल्लाह, बाबा ये पसंद किया है आपने, बस हंसी आ जाएगी। मत करो ये बातें। ऐसा लग रहा है मेरा दिल नहीं मान रहा। आखिरी ब्रेक होगी, इसके बाद जब वापस आएंगे हो सकता है मैं अपना फैसला तब्दील कर लूं। आप भी देखिएगा कि अनारकली की शादी किससे होती है, मुझसे नहीं भाई। छोटा सा एक वक्फा, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। जाइए, आइए। अनारकली और हमारे फर्जंद ये रह गए हैं। ए अनारकली, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? नहीं बादशाह, हरगिज नहीं। हौसला रखो अनारकली, मान नहीं रही, कुछ कहना चाहते हैं आप अनारकली से? अब्बा हुजूर, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। उस परेशानी के आलम में हो सकता है कुछ भूल गई हो, जंगल की यादें, जंगल की वो बातें
वो हसीन बातें। हमारी निगाह आपके सीने के बालों से नहीं हट रही। इनमें सफेदी आ गई है। अब्बा हुजूर धूप लग गई थी यार, कुछ तो शर्म करो। अब्बा हुजूर कह रहे हैं आपको, आप इनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो हम अपना फैसला सुनाते हैं। बादशाह सलामत, जो आपका फैसला हमें मंजूर, आप अपना फैसला सुनाइए। आलम पना, अनारकली हमें दान फिर कर दो। नहीं, दान कर दीजिए, हमें दान दे दीजिए। ये तो उससे भी बड़ा, इसे कहते हैं मौका परस्त। ये कौन नौजवान है? मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन तो किया ही, यहाँ हो जाओ। ग्रेजुएशन किया है, माइक यहाँ पे, कैमरा यहाँ पे, ये कैमरे तुम्हारा। ग्रेजुएशन तो कर लिया है, मैट्रिक भी कर लेना। मैं दर बदर घूम रहा हूँ। कहाँ? दर बदर घूम रहा हूँ। कौन से बदर में? दर बदर, बयाबाने बदर। फिर आगे क्या करें हम? बोलो तो सही, दिमाग दान दे दे। क्या दान दे दे? कुछ भी, क्या लेने आप बोलो। मेरे मुझे पता है निगाहें कहाँ सबकी। इतना पागल नहीं हूँ मैं, बादशाह हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। बोल बोल क्या चाहिए? अनारकली। तुम्हें भी चाहिए ना? और तो किसी के दिल में अनारकली की मोहब्बत करवटे नहीं ले रही। तुम भी कर दो अपनी टोपी उतार के, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। कुछ नहीं होता, मुझे पता है। आओ आओ। फिर आप कहेंगे दो ले रही है। नहीं नहीं, आप ले, आप आइए आइए। अब्बा भैया ही रहो। अब्बा तुम्हारे दिल में तो अनारकली नहीं है। अब्बा मुझे मिल गई मेरी अनारकली। अच्छा, आप सही हैं? मैं खुश हूँ। पक्की बात है? बिल्कुल। नंबर मत देना बाद में अपना। नहीं। एक आदमी है जो हुस्न का पैकर है, हमारे इसी महल में है। दुश्मन प्यार से उसे बोसे देते हैं क्योंकि दुश्मन उसे नजर नहीं आता, चश्मा लगाता है वो। इतना प्यारा है अनारकली, मुझे लगता है कि मुझे उसी शख्स को। आओ आगे आओ। सुभान अल्लाह। कपड़ों की भी मैचिंग हुई हुई है। अदा ठीक है। अल्लाह वाह। आप दरोगा के साथ जाके खड़ी, इतनी जल्दी है तुम्हें? तुमसे पूछते हैं हम, तुम्हें अनारकली चाहिए? अनारकली आपका इस हुस्न के पहकर के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरे ख्याल आते हैं, बहुत बुरे। कौन है इस महल में जिससे आप खुश हैं, जिसको देख के आपके दिल में कुछ कुछ होता है, बताइए। मुझे तो लग रहा अब्बा आपका नाम ले देगी ये। हमें बताया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सारे आपके बेटे हैं, आप तो इतने हैंडसम। अबे हमारी बारी में जंग हो रही थी भाई। कार जल लेते इसलिए ऐसे हो गए हम। अब्बा हड़ताले थी ना। इंतहाई अदब के साथ अपने होने वाली माँ को सलाम करो। मुबारक। अब्बा मुझे मार दो। नेजा तोड़ दिया। अब्बा इसके सर कलम कर दूं? जाओ सर कलम ना करो, कलमे छोटी कर दो।
बस बस, आज से हमने फैसला किया है, तमाम लोग उधर हो जाइए। अबे तू तो हट मेरी वाली से। बैठिए। अम्मी हुजूर कैसी हैं? बहुत प्यारी। अब्बा गलत तो बात नहीं की ना? अब्बा अम्मी बम्बाट है। आपको हमारी मलका बनने पे कोई एतराज तो नहीं है? नहीं बादशाह हुजूर। लो, तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? इनकी हरकतों की वजह से ही आपने इनको दीवार में चुनवाया था। उम्र की वजह से खांसी निकली है भाई। नहीं सुधरी अभी भी। मलिका के एजाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं करोगे? जरूर जरूर, जरूर। अब्बा आज तो मैं खुल के नाचूंगी। नहीं नाचूंगा। नार करने की खुशी में हम कहेंगे आज खुशियां दे नाल सर चढ़ गए निहाल। अब्बा ये नाना की उम्र का लगता है मुझे। ये पागल है नवा मलिका, आपका वो बड़ा साहबजादा पागल है और आपका ये साहबजादा गुलूकार है और ये क्या है कोई नहीं जानता। रक्स का इंतजाम किया जाए, लेकिन उससे पहले आज के बाद ये तमाम बच्चे हमारे साथ महल में रहेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपके घर बिजली नहीं तो हमारे महल में भी अंधेरा होगा, अगर आपके घर पानी नहीं तो हम भी घूंट पानी की नहीं लेंगे, अगर आपके घर में आपके किसी फर्द का इलाज नहीं हो सकता तो बखुदा हम बीमारी में मर जाएंगे लेकिन अपना इलाज नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम आपसे हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। पागल सेंसा नहीं सेंसा।